देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। तमाम दल और उनके नेता अपना पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि वे जनता का दिल जीतने में कामयाब हो सके और सत्ता की चाबी उनके हाथ लग जाए। लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश की सरकार जनता की बजाय मंत्रियों का दिल जीतने में लगी नजर आ रही है। तभी तो चुनाव के बीच ही राज्य सरकार के तमाम मंत्रियों के लिए लग्जरी गाड़ियों का प्रबंध किया जा रहा है। सरकार ने मंत्रियों के लिए कारों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब मंत्रियों के लिए इनोवा क्रिस्टा की लेटेस्ट मॉडल की कारें सरकार के बेड़े में शामिल होंगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार 25 नई कारें खरीदने जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद अगले महीने तक नई कारों के बेड़े में शामिल होने की संभावना है। यह प्रस्ताव 2 महीने से अधिक समय से पेंडिंग में था। यानी अब मध्य प्रदेश के मंत्रियों का काफिला शानदार गाड़ियों में निकलेगा। स्टेट गैरेज के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार मंत्रियों के लिए इनोवा कारों की खरीद करेगी। बताया जा रहा है कि मंत्रियों के लिए खरीदी जा रही इन लग्जरी कारों के लिए 4.75 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हालांकि ये सब तब हो रहा है जब मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कर्ज है। मध्य प्रदेश सरकार देश में सबसे अधिक कर्ज में डूबी हुई सरकारों में से एक है। पिछले साल यानी विधानसभा चुनाव के साल 2023 में ही मध्य प्रदेश सरकार ने कई बार कर्ज लिया था। आप मध्य प्रदेश के किस लोकसभा क्षेत्र से हैं और आपके क्षेत्र में इस बार किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है, हमें कमेंट करके बताइए। खबर पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल पॉलिटिकल पंचायत को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।